कनोट गांव है और आज देवी यहाँ है, स्वागत के लिए पहुँच चुके हैं। थोड़े बहुत छोटे गांव हैं इस तरफ। आप अभी देख रहे थे कनोट गांव के बीच में। अब यहाँ ऐसा है ना, यहाँ उतने बड़े गांव हैं नहीं, छोटे छोटे गांव हैं। जिस जगह कल थे तो उधर भी मुश्किल से 10-12 परिवार होंगे, और जहाँ आज आए हुए हैं तो उतने बड़े गांव यहाँ है नहीं, इसलिए आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ दिख नहीं रही होगी। अब पहले तो ऐसा था, जब गाँव में घूम रहे थे तो हर एक के घर पर पूजा होती थी हमारे गाँव में। अब बाहर आ चुके हैं इन गाँव से, तो अब ऐसा है कि एक जगह पर पंचायती पूजा होती है, और अगर कोई ध्यान उस जगह है होगी तो उनके घर पे पूजा होती है। मैक्सिमम 1 या 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर पूजा होती है, वरना सीधा फिर एक गांव से दूसरे गांव अब भ्रमण पे चलते रहते हैं। तो अभी कनोट में था मैं, थोड़ा कनोट का एक ऊपरी हिस्सा भी है, ये मैं बीच वाले हिस्से में हूँ। पूरा फैला हुआ है गाँव ऊपर से नीचे तक, तो ऊपरी हिस्से में भी आपको दिखाऊँगा थोड़ा। मौसम देखो, बारिश शुरू हो गई है उस तरफ काफ़ी तेज़। ज़्यादा देर में इधर रुक नहीं सकता, जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा आपको दिखा दूँ बारिश आने से पहले। आदमी यहाँ कम इसलिए दिख रहे हैं ना, क्योंकि हैं ही कम। ये रास्ते हैं जिन रास्तों से मैं आ रहा था, और मुझे लगता है कि ये घास भी देवी आ रही है इसलिए काटी गई है, वरना इन रास्तों पर शायद कोई चलता नहीं है। जो ऊपर गांव वाले हैं मुझे लगता है कि वो नौटी सड़क से नीचे आते होंगे, और यहाँ सिमली सलेश्वर मोटर मार्ग है ही, तो जो निचला हिस्सा है सिमल्ट वाला वो इस तरफ से आते होंगे, क्योंकि इन रास्तों को देख के ऐसा लगता नहीं है कि इन रास्तों से आना जाना होता होगा। ये देखो सामने ही नौटी रोड आ चुकी है। जो लाटू देवता मंदिर था ना सामने, जूम करके बताता हूँ आपको। जब मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो दिखाई थी उसमें लाटू देवता मंदिर था, तो सामने ये लाटू देवता मंदिर है। जगह बहुत अच्छी है और खेती यहाँ काफ़ी है। भर भर के खेती है, और जब तक देवी के साथ ये लोग आते हैं तब तक मैं ऊपर वाला गांव देख लेता हूँ, क्योंकि इन्हें आने में अगर देर हो गई तो फिर मैं ऊपर जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि जंगल के रास्ते अकेले जाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा नाम खुशाल सिंह नेगी है। हाँ जी, मैं कनोट, ग्राम कनोट से बिलोंग करता हूँ। और आज आज यू पंचायती मंदिर से हमारे पुराण घर से और आज ये कनोट में मंदिर भी कोई तो आप जरा बता दो। हमारे मंदिर माँ देवराड़ी, भैरावनाथ, नंदा उपराई पंच नाम देवताओं मंदिर से यो पात धारा पल तरफ। अच्छा, जो हमारा 5 कनोट से यक और सब मिलके एक मंदिर से यक पाती वाली भादों में कति दूर होले में कति तकरीबन 500 मीटर है। 500 मीटर 300 धार पर लगा और 100 मीटर वो कंबे से बोटो यम 500 यक बटिन सीधो चल जावा। जब तक देवी होनी में जरा मंदिर पे गए बिल्कुल मंदिर वहां छीन लो आप एक आध छीन, ठीक है ना? सीधो ये रास्ता नहीं है ना? हाँ जी चलो ठीक ठीक। अरे बैठ आप चले जाओ, मैं जाए तो आप लोग बैठो, ठीक है? हाँ जी ठीक, शाबाश, बहुत बढ़िया है। वहाँ मंदिर आराम से मंदिर का भी अच्छा ठीक है। बबल जरा मंदिर अच्छा आप भाई वीडियो में मोती गिरोली मंदिर अच्छा गिरोली भी दिखा है, गिरोली मंदिर में भी जाए इसमें। हां मैं बोली जरा आया जी तो मंदिर बिल्कुल दिखा है सामने मंदिर देवराड़ी मंदिर। हां जी देवराड़ी देवी, देवराड़ी मंदिर बता देव देवराड़ी देवी मंदिर। कैमरे पे फोटो बन जाते थे इनको निकाली तो मंदिर पे चलो चलना मंदिर तक। चलो आ जाओ आ जाओ, किले सरवाना भाई तुम चलो मंदिर तक। ये बच्चे लोग हैं मेरे गाइड, अब ये दिखाएंगे रास्ता। चलो अगिन तुम चला किचन में मियो, ठीक है? हाँ तो भाई अमृत ये 2 बच्चे मुझे यहाँ मंदिर तक छोड़ने आए। थोड़ा दूर था मंदिर तो मुझे रास्ता पता नहीं था। वापस आना आज ठीक भाई। मैं देवी से पहले ही ऊपर कनोट पहुँच गया था देखने के लिए भीड़ के बीच में। अब जब देवी आएगी तो बहुत सारे लोग फिर आएंगे तो उस वक्त मैं आपको अच्छे से तो दिखा नहीं पाऊँगा। थोड़ा पहले आ गया हूँ तो ज़रा आपको कनोट का मंदिर भी दिखाते हैं। देवराड़ी, भराड़ी, उपराई, नंदा सब। अच्छा जी कुछ देर में यहाँ पे देवी आने वाली है। मैं उनसे थोड़ा पहले ही पहुँच चुका हूँ यहाँ पे और स्वागत में बहुत सी महिलाएँ भी यहाँ पर हैं। भैरावनाथ हैं, यहाँ पे देवी का मंदिर है। और अगर मैं यहाँ से इस तरफ को जाऊँ तो यहाँ पे शिवालय भी हैं। बार तो ऊपर से मैं नीचे आ चुका हूँ, फिर से एक बार चलता हूँ देवी के साथ ऊपर और आपको जहाँ पे देवी रुकने वाली है थोड़ा वहाँ भी दिखा देता हूँ, फिर दूसरे रास्ते नीचे आ जाऊँगा। यहाँ से दूसरी तरफ देखो नीले पहाड़ कितने अच्छे दिखते हैं यहाँ से। नौटी से और भी अच्छा दिखेगा, नौटी से तो बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर है। कुछ दिन में वहाँ भी जाने वाले हैं। फ़िलहाल अभी ये वाला हिस्सा देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। चलते हैं, देवी के दर्शन हो गए हैं और अब ऊपर चलते हैं गाँव में। कनोट में पहुंच चुके हैं और अब ऊपर नौटी वाली सड़क पे ही होंगे गांव जो भी होंगे, तो वो मैं आपको सड़क पे दिखा पाऊंगा। ये थोड़ा पैदल थे लेकिन अब किस्मत अच्छी थी, पहुंच ही गए यहाँ तक। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी, देखते रहें और कोशिश करूँगा मैं जहाँ तक मैं बना पा रहा हूँ मैं बनाता रहूँगा वीडियो। जब पूरे साल तक एक सीरीज़ तैयार हो जाएगी तो भविष्य में आप जब भी वीडियो देखना चाहो तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो शुरुआत से लेके लास्ट तक आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। उम्मीद है 250-300 वीडियो का एक कलेक्शन हमारे पास हो जाएगा। 250-300 तो नहीं हो पाएगा, 200 के करीब करीब बन जाएंगी वीडियो, जिसमें हम 2024 को याद कर पाएंगे भविष्य में। तो देखते रहें, अभी भी देखें और अपने सगे संबंधियों को जो दूर कहीं उत्तराखंड के बाहर हैं उन तक भी वीडियो पहुंचाएं।